टॉमी शहर के बाहर पुरानी गुफाओं की खोज कर रहा था जब वो एक रहस्यमय तहखाने में फंस गया। बाहर निकलने के तीन रास्ते थे लेकिन उनमें से केवल एक ही सुरक्षित था। पहले दरवाजे के पीछे आग लगी हुई थी, दूसरे दरवाजे के पीछे एसिड की बरसात हो रही थी जो किसी भी चीज को सेकंड में पिघला सकती थी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक बड़ा भूरा भालू था जिसने 2 साल से कुछ नहीं खाया था। टॉमी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? टॉमी को तीसरा रास्ता चुनना चाहिए। कोई भी जानवर बिना भोजन के 2 साल तक जीवित नहीं रह सकता है, किसी भी हालत में नहीं। ये एक तूफानी दिन था और कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी। एक सुरंग में एक कार दुर्घटना हुई। पीली कार लाल रंग से टकरा गई। पीली कार के चालक ने कहा कि इतनी तेज बारिश हो रही थी कि वो कुछ भी नहीं देख सका, इसलिए दुर्घटना पूरी तरह से उसकी गलती नहीं थी। लेकिन पुलिस ने इस व्यक्ति से झूठ बोलना बंद करने को कहा और दावा किया कि सब उसकी गलती थी। क्यों? हादसा सुरंग में हुआ, वहां बारिश नहीं हो सकती थी। मिसेस मैकएडम्स जो अपने दोस्तों के साथ एक दिन की छुट्टी ले रही थी, दिन के बीच में अपने कपड़े बदलने के लिए घर वापस आई। वहां उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एवलिन, जिसे ग्राउंडेड रहना था, वो घर पर नहीं थी। मिसेस मैकएडम्स को गुस्सा आ गया और उन्होंने एवलिन को संदेश भेजकर पूछा कि वो कहाँ है। एवलिन ने उन्हें वापस संदेश भेजा कि वो स्कूल में। उसने क्लास की एक तस्वीर भी संदेश के साथ भेजी। मिसेस मैकएडम्स को अपनी बेटी पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने उसे तुरंत घर आने के लिए कहा। उन्हें कैसे समझ में आया कि एवलिन स्कूल में नहीं है। उसके सेलफोन को करीब से देखें। ये रविवार है, रविवार को कोई स्कूल थोड़ी लगता है। नेट एक क्लब में काम करता है। उसका काम लोगों के पहचान पत्र जांचना है और संदिग्ध लोगों या 21 साल से कम उम्र के लोगों को अंदर जाने से रोकना है। इन 3 पहचान पत्रों पर नजर डालें और पता करें कि किसे क्लब में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। पहला इंसान पहले से 21 साल का है और उसके पहचान पत्र में कुछ भी संदिग्ध नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की भी ठीक लगती है। तीसरे वाले पर लिखा है कि प्रियल का जन्म 31 सितंबर को हुआ था, लेकिन ऐसी कोई तारीख होती ही नहीं है। जरूर उसका पहचान पत्र फर्जी है। मिसेज कैबल महंगे डिजाइनर कप बनाने वाली एक छोटी कंपनी की मालकिन है। शुक्रवार को आखिर जब सप्ताह का काम खत्म हो गया तभी उन्हें अपने बैंक से फोन आया। उन्हें पता चला कि उनकी बचत के सारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। मिसेज कैबल को एहसास हुआ कि जरूर ये उनके किसी कर्मचारी का काम है, इसीलिए उन्होंने उन सभी से पूछा कि वो दिन क्या कर रहे थे। सेल्स मैनेजर स्लोएन ने कहा कि वो अपने ग्राहकों से बात कर रही थी और नए ग्राहकों की तलाश कर रही थी। उनके कुम्हार एटिकस ने कहा कि वो हमेशा एक दिन में एक कप बनाता था। तभी उसने वो सारे कप दिखाए जो उसने उस सप्ताह तैयार किए थे। उनकी डिजाइनर सियरा ने कहा कि वो काम कर रही थी, लेकिन उसने ये भी माना कि कुछ पारिवारिक मुद्दों के कारण उस दिन वो वास्तव में ज्यादा काम नहीं कर सकी। किसने झूठ बोला? एटिकस, एक रेगुलर वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं। उस आदमी ने कहा कि वो एक दिन में मग बनाता है, लेकिन उसने केवल 4 मग दिखाए। इसका मतलब है कि उसने एक दिन काम नहीं किया। लेनॉक्स और फिन एक ही कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले दोस्त थे। एक दिन लेनॉक्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसके दोस्त के साथ कुछ हो गया है। उसने कहा कि फिन पूरे दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, ना ही उसने लेनॉक्स के किसी भी संदेश का जवाब दिया। शाम को लेनॉक्स को चिंता होने लगी और फिन का दरवाजा उसने खटखटाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेनॉक्स ने की होल से झांका और देखा कि उसका दोस्त फर्श पर पड़ा हुआ है, इसीलिए उसने पुलिस को फोन किया। उसके बाद लेनॉक्स को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? लेनॉक्स के दाहिनी आंख पर पट्टी है, लेकिन दरवाजे में की होल ऐसे लगा है कि केवल दाहिनी आंख से ही अंदर देखना पॉसिबल है। इसका मतलब है कि वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता था। वो बस जानना चाहता था कि अंदर क्या हुआ है। एस्मे जंगल में टहल रही थी और खो गई थी। कोई नहीं, उसे एक डायन का घर मिला। वो अंदर चली गई, बोली हाय, बिल्ली को सहलाया और डायन से घर जाने का रास्ता दिखाने के लिए कहा। लेकिन डायन की एक प्रॉब्लम थी।
वो एक नया जादू सीख रही थी और गलती से उसने अपनी कुर्सियों के साथ कुछ अजीब कर दिया। सही कहे तो उसके पास अब एस्मे के लिए हल करने के वास्ते एक पहेली थी। डायन के पास 20 कुर्सियां थी, कुछ कुर्सियों में केवल 2 पैर थे और बाकी में कोई पैर नहीं था। इन सभी 20 कुर्सियों में कुल कितने पैर थे? हम जानते हैं कि कुछ कुर्सियों में औसतन प्रति कुर्सी 2 पैर हैं, बाकी के या तो 4 पैर हैं या बिल्कुल भी पैर नहीं है। क्योंकि बाकी कुर्सियों में आधे के पैर नहीं हैं और दूसरी आधी कुर्सियों में 4 पैर हैं, तो एक साथ उनके पास प्रति कुर्सी 2 पैर भी हैं, तो फिर यहाँ सही में 40 पैर हैं। मिस्टर टकर एक कारोबारी थे। वो लोगों को प्रभावित करने के लिए एक दिलचस्प शौक खोजना चाहते थे। उन्होंने कला को चुना। भले ही वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, फिर भी वो पेंटिंग खरीदते रहे और यहाँ तक कि कुछ फेमस मास्टरपीसेस के मालिक भी बन गए। वो अपने संभावित व्यापार भागीदारों को अपने कलेक्शन के शो ऑफ के लिए इनवाइट करना पसंद करते थे। एक दिन उनकी मेहमान मिस जिनेवा डार्बी थी। वो यंग लेडी थी जिनका आभूषण का कारोबार था। हमेशा की तरह मिस्टर टकर ने अपने संग्रह के बारे में शेखी मारी, लेकिन मिस डार्बी प्रभावित नहीं हुई। क्यों? सोलहवीं सदी की इस कथित पेंटिंग को करीब से देखिए। सड़क पर 2 कारें, लेकिन उस टाइम कोई कार होती ही नहीं थी, तो जरूर ये पेंटिंग नकली होगी। एवी और काई अपने दोस्तों के साथ साइकिल यात्रा पर जाने की प्लानिंग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली एवी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया और काई को अपने साथ रहने को कहा। काई निराश था लेकिन सहमत हो गया। एवी सो गई। जब वो उठी तो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। उसने काई को अपने साथ साइकिल पर थोड़ा घूम कर आने की पेशकश की। अकेले बस वो दोनों। लेकिन जब वो बाहर गए तो एवी ने महसूस किया कि जब वो सो रही थी, काई उसके बिना दोस्तों के साथ बाहर गया था। उसे ये कैसे समझ में आया? देखो, एवी की साइकिल पूरी गीली है। जब वो सो रही होगी तो जरूर बारिश हुई होगी, लेकिन काय की साइकिल सूखी है। इसका मतलब है कि उसने इसका यूज किया है और फिर से पोंछ दिया, या फिर जब बारिश हो रही थी तो वो इलाके में ही नहीं था। 2 हफ्ते पहले एक बैंक लूटा गया, लेकिन अभी तक लुटेरे का नाम पता नहीं चला। आधी रात को एक फोन कॉल ने पुलिस अधिकारी कैलम को जगाया। उनके सहयोगी ने बताया कि किसान को पैसे मिले। कैलम वहां पहुंचा तो उसने किसान से पूछताछ की। उस आदमी ने कहा, मेरी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ और मैं बाहर चला गया, तभी मुझे मक्के के खेत में पैसों से भरा बैग मिला। पुलिस अधिकारी कैलम ने पूछा कि क्या किसान ने पहले भी कुछ संदिग्ध देखा था। किसान ने जवाब दिया, लगभग 2 हफ्ते पहले सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने एक आदमी को खेत से गुजरते देखा। ये पूर्णिमा की रात थी और मैं उसकी आकृति स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वहां उसके बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए ठीक से लाइट नहीं थी। किसान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? किसान ने कहा कि 2 हफ्ते पहले पूर्णिमा थी, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब भी पूर्णिमा है। किसान झूठ बोल रहा है, लेकिन क्यों? एचले एक अनप्लान्ड बिजनेस बैठक के लिए जल्दी निकल रही थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड डीन को कुत्ते को टहला के लाने के लिए कहा। डीन राजी हो गया, लेकिन उसके दोस्त का फोन आ गया और उसने एक नया वीडियो गेम खेलने के लिए उसे इनवाइट किया। उसके बाद डीन ने कुत्ते को टहलाने का कार्यक्रम जो वो कैंसिल कर दिया और अपने दोस्तों से मिलने चला गया। जब वो और एशले घर वापस लौट रहे थे तो दोनों घर के ठीक बाहर मिले। एशले ने पूछा कि डीन क्या कर रहा था। उसने कहा, मैं कुत्ते को टहलाने ले गया और फिर अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेलने चला गया। एशले को तुरंत समझ आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसने इसका पता कैसे लगाया? ये सर्दी का मौसम है, बर्फ में पैरों के निशान देखे। एशले के पैरों के निशान दोनों ओर जा रहे हैं और डीन के पैरों के निशान भी दोनों ओर जा रहे हैं, लेकिन वहां कुत्ते के पैरों के निशान नहीं है। मिसेस रिवर्स ने बताया कि किसी ने उनके घर में सेंध लगाई है। उसने उनके लिविंग रूम में रखे सारे पैसे और गहने चुरा लिए। पुलिस अधिकारी कैलम अपराध की जांच के लिए पहुंचे। कमरा अस्त-व्यस्त था। साफ लग रहा था कि कोई वहां कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन लास्ट में कैलम ने निष्कर्ष निकाला कि वहां कोई डकैती नहीं हुई थी। मिसेस रिवर्स ने पूरी कहानी बनाई थी। वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे?
फर्श पर पड़े बेहद महंगे और नाजुक चाय के सेट को देखो। अगर वाकई कोई अपराधी वहां होता तो उसे सेट की परवाह नहीं होती, नीचे गिरने के बाद वो टूट गया होता। ऐसा लगता है कि जब मिसेज रिवर्स लूट का नाटक रच रही थी तो उनका मन अपने महंगे चाय सेट को तोड़ने का नहीं हुआ। विवियाना और मैलकॉम बाहर काम कर रहे थे। मैलकॉम छत की मरम्मत कर रहा था और विवियाना बगीचे में काम कर रही थी। अचानक छत से एक हथौड़ा गिरा और विवियाना के सिर पर जा लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। फिर पुलिस ये पता लगाने के लिए आई कि आखिर क्या हुआ था। जब मैलकॉम ने उसे सब कुछ बताया तो पुलिस ने उसे दुर्घटना का नाटक करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उस आदमी पर विश्वास क्यों नहीं किया? विवियाना घर के ठीक बगल में काम कर रही थी। वो छत के नीचे बैठी थी। अगर थोड़ा गलती से गिरा होता तो छत से फिसलता हुआ महिला की पीठ के पीछे की तरफ गिरता। वो उसे तभी चोट पहुंचा सकता था जब कोई उसे जानबूझकर उसकी तरफ फेंकता। वैसे अच्छा नहीं है।